आप हैं तो आपको कैसे पता चले कि दिस इज द राइट प्रॉपर्टी फॉर मी। सो टू हेल्प यू डिसाइड व्हाट इज द राइट प्रॉपर्टी फॉर यू, वी आर हियर फॉर यू। बहुत ज्यादा वजह उसकी ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की हिट नहीं पड़ती और एंड यूजर उसमें बेनिफिशियरी रहता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सलमान फ्रॉम मंद एम्पायर्स। सो बेसिकली आज मैंने आपसे एक ट्रेंड का शिफ्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट में वो डिस्कस करना है। हम जो प्रीवियस ईयर्स में देखते आ रहे थे कि लोगों का ट्रेंड टूवर्ड्स रेजिडेंशियल प्लॉट्स एंड विलास थोड़ा ज़्यादा था। हाउएवर इन द प्रीवियस ईयर जो 2021 जो गुजरा है, जो कंस्ट्रक्शन का बूम बहरिया टाउन कराची ने देखा है, तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि अपार्टमेंट्स और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उसकी एक नेचुरल सी वजह भी है, वो ये कि क्योंकि आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गई है एंड जो लोग बुकिंग पे जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स या ऑफिसेज या शॉप्स बुक कराए थे, शोरूम्स बुक कराए थे, उनकी जो बुकिंग अमाउंट है, जो उनकी कॉस्ट है, दैट रिमेन्स द सेम। ऑल दो कि एक जो बिल्डर उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसकी कॉस्टिंग में ज़रूर डिफरेंस आता है, बट जो एंड यूज़र है हिज प्राइस रिमेन्स द सेम फॉर अपार्टमेंट और शॉप। इसी तरह अगरचे वो विला के लिए जा रहा है या वो प्लॉट के लिए जा रहा है, तो उसकी प्राइस में एक मेजर डिफरेंस देखा जाता है। तो एंड यूज़र का जो हम इन्फ्लक्स देख रहे हैं टूवर्ड्स द कमर्शियल प्रॉपर्टी, वो बहुत ज़्यादा वजह उसकी ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की हिट नहीं पड़ती और एंड यूज़र उसमें बेनिफिशियरी रहता है। एट द सेम टाइम दिस मेक्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द बिल्डर्स इन कराची एंड ऑल ओवर पाकिस्तान कि जो बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ बहरिया टाउन कराची में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। कमर्शियल प्रॉपर्टी हमने देखी है इन प्रीवियस फ्यू मंथ्स, कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट 100% का गेन हमने देखा है। मिडवे में, 10A में, 11A में, ये पूरे एरिया में, अली ब्लॉक कमर्शियल में हमने अच्छा खासा गेन देखा है, प्रीशन 8 कमर्शियल, प्रीशन 6 कमर्शियल। सो ये सारी ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज बिल्डर्स और एंड यूजर्स दोनों के लिए हैं, तो दोनों अवेल कर सकते हैं। अच्छा, तो इसमें हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? बहरिया टाउन कराची में हंड्रेड्स ऑफ बिल्डर्स काम कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 400 के करीब बिल्डिंग्स यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जो एंड यूज़र है वो कैसे सेलेक्ट करें? जो आप हैं तो आपको कैसे पता चले कि दिस इज़ द राइट प्रॉपर्टी फॉर मी। सो टू हेल्प यू डिसाइड व्हाट इज़ द राइट प्रॉपर्टी फॉर यू, वी आर हियर फॉर यू। आपने कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है, कौन सी प्रॉपर्टी आपके लिए सूटेबल है, कौन सा बिल्डर रिलायबल है, कौन से बिल्डर किस हिस्ट्री के साथ चल रहा है, क्या उसकी प्रोजेक्ट डिलीवरी है, हम आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं। जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं, 4 बेड अपार्टमेंट्स भी और पेंट हाउसेस भी अवेलेबल हैं, कुछ पैनोरामिक व्यूज़ के साथ हैं, बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं। कहीं आपको थीम पार्क कमर्शियल का व्यू मिलता है, कहीं आपको ग्रैंड मॉस्क का व्यू मिलता है, कहीं आपको पार्क का व्यू मिलता है। सो विद डिफरेंट व्यूज़ यू हैव डिफरेंट लोकेशंस एंड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़। साथ साथ आपको कमर्शियल में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज़ फॉर शॉप्स एंड शोरूम्स। ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स एंड शोरूम्स यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से रेंट पे भी चली जाती हैं और सेल आउट भी हो जाती हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा रेंटल या कैपिटल गेन रिटर्न इसमें मिलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंड यूज़र है वो हमेशा फ़ायदे में रहता है बुकिंग के एस्पेक्ट से, सिंस उसकी प्राइस या उसकी कॉस्ट ऊपर नहीं जा रही होती। एट द सेम टाइम अगर उसको वो साल दो बाद सेल आउट करे तो कॉस्टिंग चूँकि ऊपर हो चुकी होती है, मार्केट प्राइस ऊपर हो चुकी होती है, तो उस पर एक अच्छा कैपिटल गेन ले सकता है। सो दैट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। तो किसी भी तरह की बुकिंग और तफसीलात के लिए आपके अपार्टमेंट शॉप्स और शोरूम्स के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास आइडियल प्लान्स हैं जो कि आपकी मर्जी के पेमेंट प्लान पे अप्लाई किए जा सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट अस फॉर बुकिंग नाउ। थैंक यू सो मच मंद एम्पायर्स।